नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने। विंटर सीजन चालू है और विंटर रेमेडीज का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए और एक बेहतरीन दवा के बारे में आज चर्चा करेंगे। दवा का नाम है कॉस्टिकम। भली बात आप जानते होंगे ना कॉस्टिकम, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं उसमें, कुछ ऐसे सीक्रेट चीजें हैं कॉस्टिकम का जो आपको नहीं पता। बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल है किताब में, लेकिन सिर्फ किताब पढ़ना ही फाइनल नहीं है। उसके सीक्रेट्स को जानने के लिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो क्लिनिकल टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं बहुत ही स्पेसिफिक है, इसको याद रखना। विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में कैसे आपकी जान बचा सकती है ये दवाई, एक डीप एक्टिंग वेल प्रूव्ड और बहुत ही पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है। तो आइए जानते हैं कॉस्टिकम जो इम्पोर्टेंट दवा है विंटर सीजन के लिए, क्या उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे ये तरह तरह की बीमारियों में एक्ट करती है, एक्यूट हो क्रॉनिक हो दोनों बीमारियों में ये आपकी मदद करेगी। जो इसके टॉप क्लिनिकल पॉइंट्स हैं बस उसके ऊपर जाऊंगा, और विंटर सीजन से रिलेटेड ही बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि भली भांति आप इसको जान पाए और इस्तेमाल कर लें। तो डेफिनेटली इसको अपने घर में लाकर रखिए, इसके 30-200 पोटेंसी दोनों को आपकी इमरजेंसी में काम में आएगी। पोटेंसी का इस्तेमाल कैसे करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो को। एक एक पॉइंट्स आप अच्छी तरह से नोट कर ले, आपको बहुत बढ़िया मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं कॉस्टिकम के कौन कौन से क्लिनिकल टिप्स है, किस चीजों में, किन किन चीजों में इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया किया जाता है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब हम कॉस्टिकम का नाम लेते हैं, मोस्टली 2-3 इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। जब आप सर्दी से जो ठंडी हवा आती है विंटर सीजन में उसमें एक्सपोजर होते हैं, वो ठंडी हवा जब आपके शरीर में लगती है कंटिन्यूसली आप उसके एक्सपोजर में आते हैं, या तो आपके डिफरेंट न्यूरोजेनिक या पैरालिटिक एक्शन आता है, बॉडी का कोई भी एक हिस्सा जब काम करना बंद कर दे, वो नर्व्स काम करना बंद करते, तो वो पार्शियल पैरालिसिस होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन का, जैसे कि फेस है, आईलिड्स, हाथ पैर, ऐसे पर्टिकुलर एक हिस्सा, कभी कभी वॉइस भी ठीक से नहीं निकलता, तो ये पैरालिटिक सिचुएशन एक है। दूसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मोस्टली हम कॉस्टिकम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं, अगर ये 3 सिचुएशंस विंटर सीजन में आमतौर पर आता है, और अगर ये तीनों में से 2 इंपॉर्टेंट चीजें भी अगर किसी में मिल जाए तो भी हम कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। ये जो कॉस्टिकम है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में इफेक्टिव ज्यादा है, जो कि प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं आफ्टरवर्ड्स, जैसे कि अगर किसी को स्किन डिजीज हुआ है, आपने ऑइंटमेंट वगैरह लगा के उसको सप्रेस कर दिया है, और लॉन्ग टाइम बाद, बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसे डीप एक्टिंग क्रॉनिक डिजीज आते हैं जो आपको शायद नहीं पता कि मैंने हाँ स्किन डिजीज में ये दवाइयां इस्तेमाल की थी और उसको सप्रेस होकर ये आया है, लेकिन जब आप होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपकी हिस्ट्री लेगा, आपके पूछेगा कि हाँ ये जो प्रॉब्लम आपका क्रॉनिक है कैसे आया। मान लो 6 महीने पहले आपने स्किन डिजीज का सप्रेस किया था ऑइंटमेंट लगाकर या स्टीरॉयड का इस्तेमाल करके, तो जब हम देखते हैं कि इस तरह का सिचुएशन हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज हमारे सामने ख्याल में आता है, जैसे कि सल्फर, सोराइनम, और ये कॉस्टिकम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किन डिजीज को सप्रेस होने के बाद जितने भी तरह का प्रॉब्लम्स आता है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, मतलब कोई इंसान बहुत सालों तक दुख में है, गम में है, डूबा हुआ है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इग्निशिया, नेट्रोम्यूर, ये सब दवाइयां इस्तेमाल होती है, लेकिन कॉस्टिकम भी एक बहुत ही बढ़िया डीप एक्टिंग मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल करें, देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें,
फिजिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट बीमारियों में ये ज्यादा एक्शन करता है, उसका पहला पॉइंट है नंबलेस सिंगल पार्ट्स। कोई भी एक बॉडी का एक हिस्सा नम पड़ जाना, सुन पड़ जाना, वहां पर सेंसेशन फील नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज में बहुत ही कारगर है, खास करके जब ये विंटर सीजन में हो, कोल्ड एक्सपोजर से, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। मॉर्निंग होसनेस, सुबह का वक्त गला बैठ जाना, आवाज नहीं निकलना, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, मतलब पूरा जो वोकल कॉर्ड है उसमें पैरालिसिस हो जाता है ठंड के वजह से, ठीक है, वलगम जमने के कारण हो या फिर वोकल कॉर्ड के पैरालिसिस के कारण हो, दोनों में ये बहुत बढ़िया काम करता है कॉस्टिकम। कफ, जो खांसी होती है उसका एक स्पेसिफिक पिकुलियर पॉइंट है कि थोड़ा पानी पी लेने से वो खांसी थोड़ा राहत मिलता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। फिर खांसी हुआ, फिर आपने थोड़ा पानी पी लिया, नॉर्मल पानी, गर्म पानी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी जब आप पी लेते हैं तो उसमें आराम मिलता है, तो कॉस्टिकम का स्पेसिफिक लक्षण है, ठीक है, इसको आप याद रख लेना। और खांसी जो होती है तो ड्यू टू ब्लडर पैरालिसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो जितने भी मसल्स है उसमें वो स्ट्रेंथ ना होने के कारण ऑटोमेटिक यूरिन निकल जाता है, ये भी उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है। बहुत बार आपने सुना होगा कि खांसते वक्त उसका यूरिन निकल गया, तो ये चीजों में कॉस्टिकम बहुत बड़े काम। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, पल्सेटिला, फॉस्फोरस, सेपिया, इक्विसेटम, ठीक है, और भी कई ऐसे डीप एक्टिंग एक्यूट और क्रॉनिक दवाइयां, लेकिन कॉस्टिकम बहुत ही स्पेसिफिक रूप से विंटर सीजन में काम करती है, आप इसका इस्तेमाल जरूर करना अगर इस तरह के कोई सिचुएशन आते हैं। पैरालिसिस ऑफ फेस एंड आईज मोस्टली ड्यू टू एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड्स, मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपका फेस का कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, वहां पर सुनपन हो, नमनेस हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, एक पार्शियल पैरालिसिस हो शरीर का कोई भी हिस्सा और फेस का, खास करके आंखों का, आंखों के जो पलके हैं, आईलिड्स बोलते हैं, उसमें भी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, वो पैरालिटिक सिचुएशंस क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है ये कॉस्टिकम। लेफ्ट साइड का कोल्ड एक्सपोजर होने के कारण जो साइटिक का प्रॉब्लम होता है, साइटिक का मतलब कमर से लेकर जो साइटिक नर्व जाता है नीचे तक, एड़ी तक, उसमें बहुत भयानक दर्द होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नमनेस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, इंसान चल नहीं पाता, फोल्ड नहीं कर पाता, खासकर जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं ना, जो बॉडी को शरीर के दूर खींचते हैं उसको एक्सटेंसर मसल्स बोलते हैं, उसमें अगर पैरालिटिक सिचुएशन हो तो बहुत बढ़िया काम करता है कॉस्टिकम। तो ये लेफ्ट साइडेड साइटिका के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यूरिन के प्रॉब्लम में एक खास इसका इंपॉर्टेंट है कि खांसते वक्त, छींकते वक्त, या फिर नोज ब्लॉक करते वक्त, या फिर चलते वक्त, ये कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर प्रेशर पड़ता है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर और उसका यूरिन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। इस तरह के सिचुएशंस अगर किसी को हो तो आप कॉस्टिकम डेफिनेटली उसको दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे खांसते वक्त यूरिन आ जाता है, छींकते वक्त यूरिन ऑटोमेटिकली निकल जाता है, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन में प्रेशर पड़ते ही अगर उसका यूरिन ऑटोमेटिकली निकल जाता है तो ये इंडिकेट करता है कॉस्टिकम का सबसे पहला चॉइस आपका होना चाहिए, बहुत बड़े काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर विंटर सीजन में आप कॉस्टिकम इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट क्विकली आता है, कोई भी देर नहीं लगती। पोटेंसी के बारे में जान लेते हैं कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फिजिकल स्पेयर पे अगर आपकी बीमारी है तो आप 30 पोटेंसी से शुरुआत कर सकते हैं। 30 को एक्यूट कंडीशन में दिन में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करें 2-3 दिन, फिर उसके बाद दिन में 2 बार कर देना, ऐसे 5 दिन, आप 6 दिन, 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार करके, रिजल्ट आने पर उसको बंद कर देना। 30 के बाद 200 का इस्तेमाल कैसे करें, सुबह शाम 2 बार, 1 या 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सुबह शाम मतलब आज ले लिया सुबह शाम 2-3 बूंद, सुबह शाम, फिर कल सुबह शाम, मैक्सिमम 2 दिन या मिनिमम 1 दिन, बहुत बढ़िया काम करता है। 2 दिन से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस दवा है, जितना आप कम रिपीट करेंगे उतना एक्शन ज्यादा आएगा। लोग सोचते हैं कि हाँ मैं और रिपीट करूं तो और बेहतर काम करेगा, नहीं, होम्योपैथी ठीक ऑपोजिट है एलोपैथी सिस्टम का। आपका अगर एक्शन आ गया है बीमारी का,
आप बंद कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा एक्शन करेगा, उसके ऊपर आप चलते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो एग्रेवेशन होगा, मतलब जो प्रॉब्लम के लिए आप खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर कुछ नए सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों से अगर आपको बचना है तो हाइपोटेंसी को बिल्कुल रिपीट ना करें। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाइपोटेंसी में रिपीट करना है, 200 1 ml महीनों तक रिपीट करने को बोलते हैं, लेकिन ये होम्योपैथिक सिस्टम बिल्कुल परमिट नहीं करती। जो हमारे क्लासिकल रूल्स है वो बिल्कुल परमिट नहीं करते हाइपोटेंसी को रिपीट करने में। जो डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट है उनको हाइपोटेंसी में जितना आप मिनिमम डोज में देंगे, कम रिपीटेशन में देंगे, एक्शन बहुत बढ़िया आएगा, परमानेंटली आएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें, पोटेंसी के बारे में बता दिया। हाँ, और एक चीज, अगर मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने कहा सप्रेस्ड ग्रीफ है और ये सिंपैथेटिक बहुत होता है, आपको पता होगा कॉस्टिकम के बहुत ही सिंपैथी होता है किसी के ऊपर भी, तो इन चीजों का अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो, 1 ml का सिंगल डोज आप दे सकते हैं और वेट कर सकते हैं 15 दिन, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया है। फिजिकल के साथ अगर ये मेंटल सिम्टम हायर इंटेंसिटी में हो तो आप 1 ml का सिंगल डोज 2 बूंद बस एक बार देकर वेट कीजिए 10 से 15 दिन, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट दवा कॉस्टिकम। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।